का 200 के ऊपर वीली जाता है हम लोगों का, ठीक है। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. आज है संडे और सुबह का बज रहा है 7:30 और हम लोग हैं औरंगाबाद में। औरंगाबाद में आज हमने रखी सुपर बाइकर्स मीट और आज हम जाने वाले राइड पे। और एक और खुशखबरी की बात यह है कि हमने एक न्यू बाइक परचेज करी है और साथ ही में आज हम राइड करने वाले हैं और आपको व्हीली स्टंट दिखाने वाले हैं न्यू ZX 10R पे। आज के दिन बहुत मजा आने वाला है क्योंकि सारे जो बाइकर्स हैं यहाँ के औरंगाबाद के सब लोग आए हुए हैं हम लोग के लिए और उनके साथ आज हम लोग बहुत सारी मस्ती करेंगे और बहुत सारी राइड करेंगे। मुझे भाई कैसी आवाज आ रही है पीछे से? सब रेडी है, मतलब औरंगाबाद के पूरे बाइकर से एकदम। और आज मैं चलाने वाला हूँ। बात के जितने रेडल सब तो ऊपर नहीं बुलाए, जो अपने समझो फ्रेंड्स सिस्टम जो हमेशा जाते हैं राइड पे 8-10 घंटे जगह चले, बस हमारा ही फ्रेंड सर्कल बस। क्योंकि कल पता नहीं कितने सारे बाइकर्स आए थे, सबको बोले थे आए हुए हैं जो यहाँ वाले जितने भी बच्चे थे, इतने लोग आ गए थे कि आप यकीन नहीं करेंगे, पर आज मैं बता देंगे। फिर मुझे वहां से जाना पड़ा, भागना पड़ा। खैर आज मैं चलाने वाला हूँ द प्रो राइडर 1000 वाली बाइक, कावासाकी ZX 2023 एडिशन है ना, और इसमें लगा है एरो का फुल सिस्टम लगा हुआ है। बहुत मजा आएगा, आप लोग क्या देखना है उसके अंदर मुझे पता, आप बोलोगे वीली है ना, तो उनको मार के दिखाएंगे ना, अपना पक्का ना, पक्का डन है। फिर चले फिर नीचे, भाई लोग नीचे खड़े सब, ठीक है, चले हम लोग रेडी हो जाते हैं। 6 बजे का टाइम था और बज रहा है 7:30 बजने वाला, ठीक है, जल्दी रेडी हो जाते हैं। एंड हम आ चुके हैं हमारी होटल से बाहर और मुझे यहाँ पे कुछ बाइक्स दिख रही हैं और सारे भाई लोग ये खड़े हुए हैं, ये इंट्रूडर हार्ले और हो रही हायाबुसा 300 10R और ये रही अपनी राइड। हेलो भाई लोग, गुड मॉर्निंग, तैयार है फिर सब? एंड अभी हम जाने वाले हैं मौसम भाई के शोरूम पे और तब तक मैं चलाने वाला हूँ इंट्रूडर। पहली बार चलाऊंगा और ये चेन ड्राइव नहीं है, शाफ्ट ड्राइव ही है। शाफ्ट ड्राइव का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, एक ही ना पीछे स्प्रॉकेट होता है, चेन चलती है तो इसके अंदर शाफ्ट चलती है, जैसे कि आपने कार में देखा होगा या आप देख रहे हैं ना अंदर शाफ्ट है, और वैसे ही ये बाइक उसी के ऊपर रन करती है। बहुत बड़ी और बहुत भारी मशीन है ये, बाकी अपना मन तो अभी उसका है, तो वो भी चलाएंगे थोड़ी देर से, तब तक ये लेके चलते हैं अपन। सुजुकी इंट्रूडर 1800 सीसी की बाइक है ये, कितना 1800 ना, हाँ बहुत भारी है, लिटल हैवी उठाने में पता चल गया है। इंट्रूडर राइड करके मैं यहाँ तक आया हूँ और यहाँ पे सारे बाइकर्स इकट्ठा हो चुके हैं और हमारी FL की 350 भी पीछे खड़ी हुई है, क्योंकि हम लोग आज हाईवे पे थोड़ा मजाने वाले हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी बाइक हैं जो हमारे साथ चलने वाली है। जनरेशन 1 हायाबुसा जो कि आपने धूम में देखी होगी, और ये रही 2023 कावासाकी ZX 10R इंट्रूडर 1800 cc की मशीन, और ये रही मेरी फेवरेट सुजुकी जिक्सा 1000 जो कि स्टेज 2 ट्यून्ड है। बहुत सारा सामान इस बाइक में लगा हुआ है और ये भी स्टेज 2 ट्यून्ड है पूरे फुल। आज क्या करने वाले आज अपन, इसको खोलने का नहीं खोलने का? किसको भाई? ये 1000 को खोलने का नहीं, क्यों नहीं खोलने का भाई, फराज में रहने के बाद तो पता नहीं। तो गाइस ये रही मेरी राइड जो कि मैं हाईवे तक जाने वाला हूँ इस बाइक के ऊपर, और ये बाइक के अंदर क्या क्या लगा है चलिए आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये रही जिक्सर 2013 मॉडल 2013, एक बार आपको सीट खोल के इसके अंदर के नज़ारे आपको दिखा देते हैं। और गाइस ये दिख रहा है आपको स्विच क्या है, ये आपको हाईवे पे पता चलेगा किस चीज़ का है, बाइक पूरा खोल डालने का है। एंड गाइस ये वाली बाइक के जलवे मैंने एमी वैली में देखी हूँ ऑलरेडी, कैसी भूसा और BMW ऐसा मार रही थी तो देखे होंगे, और आज हम इसके साथ मस्ती करने वाले ना, बहुत मस्ती करने वाले। तो चलिए गाइस हम शुरू करते हैं अपने स्टाइल में, हियर वी गो। एंड गाइस अभी मैं सबको आगे जाने देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबको कैप्चर कर लूँ और सबके राइडिंग स्टाइल को कैप्चर करूँ।
और मेरे साइड में चल रही इंट्रूडर और उसी के साइड में हार्ले डेविडसन 750 और अभी पीछे एसएल की भी आ रही है और जो टेनर है वो सबसे आगे चल रही है इस टाइम पे। एंड गाइस अब मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, दिल थाम के बैठिएगा। गाइस अभी हम लोग तकरीबन 20 किलोमीटर राइड करने के बाद अभी रुके हैं और आपको मज़ा आया नहीं आया सर की वीडियो देखी ना ट्रैक के साइड में कैसे निकले, प्लीज़ ट्राई नहीं करना कभी, ठीक है? आपके इंटरटेनमेंट के लिए मैं कर रहा हूँ। और प्लीज़ जितने भी बिगनर यूट्यूबर हैं और जितने भी बच्चे जिन्होंने सुपर बाइक ली है वो बिल्कुल ऐसी राइड ना करें। और भाई इसके तो क्या कहने यार, मतलब लग रहा है इस गाड़ी के अंदर बहुत सारा माल डला हुआ है और जब ये 250 के ऊपर सीधी अभी देखोगे ना मजा आ जाएगा। गोली की तरह जा रही है, बहुत मजा आ रहा है कंट्रोल करने में भी, ऐसा नहीं लग रहा कि आउट ऑफ कंट्रोल चल रही है, हर कुछ चल रही है बहुत सटीक। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुत सारी सुपर बाइक्स हैं और आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो सबसे शानदार मशीन इस दुनिया की, जो कि है सुजुकी जिक्सर 1000 लिमिटेड एडिशन और जो दूसरी है वो आजकल सबकी फेवरेट बनी हुई है कावासाकी ZX 10R 2023 एडिशन। तो चलिए अब मैं आपको दोनों बाइक का वॉक अराउंड दिखा देता हूँ और बता देता हूँ कि दोनों बाइक में क्या क्या लगा हुआ है। तो गाइस आपके सामने है दो ब्यूटीफुल मशीन, कावासाकी ZX 10R 2023 एडिशन और आप ये देख रहे हैं ये रही सुजुकी जिक्सर 1000 2013 और दोनों बाइक में क्या क्या पार्ट डाले मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हम शुरुआत करते हैं 10R से। अभी हमारे साथ हैं चिराग भाई और जिनकी है ZX 10R 2023 एडिशन। तो चिराग भाई क्या क्या करवाया आपने बाइक लेने के बाद, कितनी चल चुकी है बाइक और आप एक्साइटेड हो कि कॉम्पीट करेंगी आपकी बाइक हमारी 1000R से? कॉम्पीट तो कर लेगा, 10R तो 10R है, 10R का नाम ही इतना बड़ा है। तो अभी क्या क्या लगाया आपने गाड़ी में? अभी तक फिलहाल तो बेसिक एक्सेसरीज लगाई है मैंने उसके अंदर। पहली बात तो ये होता है कि जब भी कोई सुपर बाइक लेता है तो उसको क्या चाहिए रहता है, साउंड। तो मेन तो उधर से स्टार्ट करेंगे अपन की क्या लगाया है। तो हमने लगाया है एरो का डीकैट, जो डीकैट लगाया है डीकैट का पाइप है, क्योंकि क्या होता है कि जो ZX 10R है उसके अंदर जो हेडर्स है वो पहले से उन्होंने टाइटेनियम दिए एज अ स्टॉक। तो मतलब वो कलर वगैरह चेंज कर दे तो उससे क्या होता है कि अपने को हेडर्स चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली फुल सिस्टम हो जाता है। और एग्जॉस्ट लगाने के बाद सबसे मेन चीज होता है फिल्टर, सो हमने इसके अंदर लगाया है BMC का एयर फिल्टर एयर इनटेक के लिए। हाँ तो गाइस सुजुकी जिक्सर 1000 में डाला है सभी कुछ। अब आपको बता देता हूँ, ये देखो ऑल इंच के सस्पेंशन है, ठीक है, क्विक शिफ्टर है, पावर ट्रॉनिक है, पावर कमांडर है और ये आपको दिख रहा है क्या है ये सब पता है ना। तो इसमें डला है पूरा कार्बन फाइबर, T-bar एग्जॉस्ट, आफ्टर मार्केट रोटो पैडल डिस्प्लेट और फ्रंट डिस्प्लेट भी देख लो आप, बहुत सारी चीज़ें इस बाइक के अंदर लगी हुई हैं और ये बाइक लिटरली वैले रन के अंदर ड्रैग में बहुत सारे टाइटल जीत चुकी है। और अभी 2023 एडिशन आपके सामने, इन दोनों को कॉम्पीट करेंगे और देखते हैं कौन सी बाइक गोली की तरह निकलती है, ठीक है? तो आपको क्या लगता है ये जीतेगी या वो जीतेगी? वर्ल्ड चैंपियन है भाई सुजुकी, हर जगह जिक्सर के नाम ही काफी है मेरे हिसाब से ना। और कुछ महंगी आती है जिक्सर और भाई, ये पूरे इंडिया में बहुत कम पीस है। मुझे किसी ने बताया था कि दुनिया में 200 पीस बने थे, तो क्या बोलती है पब्लिक? चलो चलिए अब हम चलते हैं, इन बाइक को लाइनअप करेंगे, देन वहाँ से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर तक सिर्फ बाइक को खींचेंगे, देखते हैं कौन सी बाइक है ना उसके बाद ज्यादा फील जरूर खड़े होते हैं अंदर है हम लोग जिससे करें खींचे थाउजेंड फर्स्ट गियर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कौन चला रहा है? अरे यार बाइक नहीं चला रहा के साथ चला रहा भाई। चलिए चिराग भाई अपन दोनों स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइस ना? तो फिर चलिए मैं आपको थोड़ा सा लीड दूंगा ना, थोड़ा सा कि आप स्टार्ट ले सको। चलिए गाइस ऐसा नहीं है भाई, फिर लीड लेने देना है, फिर ये कमजोर है क्या? पक्का मेरा भाई ये कमजोर है क्या? चलो ठीक है, चलिए अब हम बाइक को लाइनअप करते हैं वहाँ पे और वहाँ से बाइक थर्ड गियर तक वहाँ तक आ जाएगी, तकरीबन 200 के आसपास आ जाएगी भाई। बिल्कुल राइट सेफ है ना, बिल्कुल एग्रेसिव नहीं होना और बिल्कुल सब कंट्रोल में, जितना हो सके उतना करना, ज़बरदस्ती का प्रेशर नहीं है और सारे दर्शक यहाँ पे हैं। चिराग भाई रेडी? रेडी चलो वन।
गाइस फाइनली द न्यू ZX10R इज हियर और हमारे पास है 2023 एडिशन और ये बिल्कुल लेटेस्ट है और अभी हम इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए जनरेशन वन हायाबुसा है। एंड गाइस हायाबुसा को पकड़ना इज वेरी चैलेंजिंग और हायाबुसा हाईवे पे हो तो भाई मतलब बहुत अलग चलती है हाईवे पे हायाबुसा और ये तो जनरेशन वन है तो बहुत ज़्यादा रॉ पावर इस बाइक के अंदर। एंड यहाँ पे ज़्यादा स्पीड से बाइक चलाना इज़ नॉट गुड फॉर मी क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ पे कहाँ पे टर्न्स हैं, कहाँ पे गड्ढे हैं, कहाँ पे कट्स हैं। अभी राइड करते करते हम लोग आ चुके हैं आगे टोल नाके तक। ये रहा सामने टोल प्लाजा और ये रही हमारी बाइक्स और ये रही कार। मज़ा आया नहीं आया राइड, देखिए आपने इंजॉय करी कि कैसे 600,000 तो ऐसी चल रही कि बस उसे इस वीडियो गेम में चलाते ना भाई कुछ इस तरह से मुझे फील आ रहा है जिक्सर चलाने का। 200 पे व्हीली हो रही है मतलब बहुत अमेजिंग लग रहा है कि बाइक में बहुत सारा माल खर्चा किया गया है। 100 किलोमीटर की राइड हम लोग करके आ चुके हैं और भाई हम लोग साथ ही चल रहे थे। कैसी चल रही थी मेरी जिक्सर? ये एक्शन समझ रहे हो, ये चल रहा था सिर्फ पूरे टाइम व्हीली 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 व्हीली। गाइस बाइक इतनी ज़बरदस्त है ना कि जब भी थ्रॉटल दे रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली व्हीली पे आ रही है और भाई व्हीली पे कंट्रोल तुम्हारा भाई को पता है ना तुम्हें। ये हल्के ब्लॉगर नहीं हम लोग ना, यू नो ना सब कुछ सब देखें शॉर्ट वीडियो ना। हुसैन भाई 1000 पे तो देखे होंगे ना भाई? नहीं देखे, 200 पे देखे नहीं देखे। देखो ब्लॉग में नहीं डाला लेकिन शॉर्ट वीडियो में है, आप लोग चेक करो आपको मिलेगा 200 के ऊपर व्हीली जाता है हम लोगों का, ठीक है। और ये ब्लॉग पहला ब्लॉग है कि हम लोग इतने सारे बाइकर अभी औरंगाबाद आए हुए हैं, ये भोपाल का ब्लॉग नहीं है कि भाई लोग सब औरंगाबाद से हैं। औरंगाबाद हम लोग आए थे दैन फिर आज हम लोग ने एक मीटअप रखा और पूरे सुबह बाइकर आज साथ हैं और लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ की बाइक बहुत अच्छी, रोड काफ़ी अच्छा, हाईवे अच्छा है और बाकी के जो क्लिप्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। हाँ वीडियो में तो बहुत सारे क्लिप मिलेंगे और गर्मी भी अच्छी अच्छी खासी हो रही है। टाइम कितना हो रहा है अभी? हिंदुस्तान के जितने ब्लॉगर ये देख रहे हैं उनको ओपन चैलेंज है व्हीली का, ट्रैक रेस का, सर्किट रेस का, किसी भी चीज़ में आप आ जाओ ऑलवेज रेडी आपका भाई। और इसका और तो मैं बता दूँ कि क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया अभी थोड़ी देर पहले, सो भैया ने बोला था ट्रैक रेस करेंगे कावासाकी वर्सेस जिक्सर का, सो उसके अंदर मैंने एक्सपीरियंस किया है। सो मैं तो वैसे भी स्टार्टर हूँ पर तो भी मैं बोला कि ठीक है क्या ज़्यादा ज़्यादा कितना डिफरेंस रहेगा, बट भाई मैं निकलने तक ये तो ख़त्म हो गई थी रेस, मैं निकलूँ पहुँचूँ तब तक घूम भाई। मोहसिन भाई हमारा ना बिल्कुल डाउन टू अर्थ आदमी है, बिल्कुल देसी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप चाहते हैं इस तरह के कंटेंट शूट करता रहूँ दिखाता रहूँ आप लोग को, तो इस वीडियो को ज़रा लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कौन सा कंटेंट देखना है, कौन सा बाइक का कंपैरिजन देखना है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।